नमस्कार दोस्तों। दोस्तों आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल के अंदर कंप्यूटर का एक परिचय और उसकी विशेषताएं और उसकी लिमिटेशंस के बारे में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कंप्यूटर का परिचय देखेंगे। कंप्यूटर शब्द अंग्रेजी के कंप्यूटर शब्द से मिलकर बना है, जिसका आशय गणना करने से होता है, किंतु कंप्यूटर एक सामान्य कैलकुलेटर की भांति गणना ही करने के तक ही सीमित नहीं है, वरना इसके माध्यम से लॉजिकल एवं अर्थमेटिकल दोनों प्रकार की काउंटिंग की जा सकती है। कंप्यूटर द्वारा की जाने वाली गणनाएं मानव द्वारा की जाने वाली गणनाओं की तुलना में कई गुना बेहतर होती हैं। कंप्यूटर द्वारा गणनाएं करने के लिए हमें उस कंप्यूटर को डेटा प्रोवाइड करवाना पड़ता है। कंप्यूटर उस डेटा को प्रोसेस करने के बाद परिणाम देता है। इसी कारण से कंप्यूटर को डेटा प्रोसेसर भी कहा जाता है। डेटा से आशय रॉ फैक्ट से होता है, जिन्हें प्रोसेस करने के बाद इंफॉर्मेशन में बदल दिया जाता है। आइए उदाहरण से समझते हैं। तो देखिए, जैसे कि एक विद्यार्थी के अलग अलग सब्जेक्टों में मार्क्स है, वो एक डेटा है, तथा तो उन्हें प्रोसेस करने के बाद उसका रिजल्ट इंफॉर्मेशन होती है। डेटा के आधार पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सकता, वही इंफॉर्मेशंस के आधार पर निर्णय लिए जा सकते हैं। ये हो सकता है कि एक बार प्राप्त इंफॉर्मेशंस को पुनः किसी अन्य स्थान पर डेटा के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्रारंभ में कंप्यूटर काफी बड़े होते थे, किंतु तकनीकी के विकास के साथ साथ इनका आकार छोटा होता गया तथा कार्यक्षमता भी बढ़ती गई। इन छोटे कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर या पीसी कहा गया। ये हो गया कंप्यूटर की प्रस्तावना। अब है कंप्यूटर की विशेषता। तो आइए कंप्यूटर के विशेषताओं के बारे में जानते हैं। सबसे पहला आता है गति। एक कंप्यूटर निर्देशों को काफ़ी तेजी से प्रोसेस करने में सक्षम होता है। एक पर्सनल कंप्यूटर 1 सेकंड में लाखों निर्देशों को रन कर सकता है। एक निर्देश को रन करने में लगने वाले समय को नैनो सेकंड में नापा जाता है। एक विद्वान मूरे का नियम कहता है कि प्रत्येक कुछ सालों बाद कंप्यूटर की कार्य करने की क्षमता तकनीकी विकास के कारण दोगुनी हो जाती है। दूसरी विशेषता आती है एक्यूरेसी। कंप्यूटर के लिए कहा जाता है कि गार्बेज इन गार्बेज आउट, अर्थात गलत इनपुट दिया जाएगा तो आउटपुट भी गलत आएगा। कंप्यूटर स्वयं कभी गलती नहीं करता है। इनपुट की गलती के अलावा प्रोग्राम की गलती के कारण भी परिणाम गलत आ सकता है। अन्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि यदि इनपुट किया जाने वाला डेटा तथा उसे प्रोसेस करने वाला प्रोग्राम सही होगा तो आउटपुट भी सही प्राप्त होगा। तीसरी विशेषता आती है कार्यक्षमता, परफॉर्मेंस। हम किसी कार्य को करने के बाद थक जाते हैं, वही कंप्यूटर घंटों, दिनों, महीनों काम करने के बाद भी नहीं थकता है। घंटों काम करने के बावजूद भी उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं आती है। एक ही प्रकार के कार्य करते हुए मानव मस्तिष्क में गलतियां करना प्रारंभ कर देता है, जबकि कंप्यूटर में समान प्रकार का कार्य करने पर भी उसकी कार्यक्षमता में कोई कमी नहीं आती है। चौथी इसकी विशेषता आती है उच्च स्टोरेज क्षमता, हाई स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर की सहायता से हम टेक्स्ट, इमेज, म्यूजिक, डेटाबेस आदि बहुत ही बड़ी मात्रा में स्टोर कर सकते हैं। पांचवी विशेषता आती है विश्वसनीयता, रिलायबल। कंप्यूटर घंटों बाद भी उसी कुशलता के साथ कार्य कर सकता है जिस कुशलता से वह प्रारंभ करने में करता है। इस कारण से घंटों बाद भी एकदम सही परिणाम प्राप्त होते हैं। इसी कारण से इसे विश्वसनीय अर्थात रिलायबल भी कहते हैं। इसकी छठी विशेषता आती है वर्सेटैलिटी, सार्वभौमिकता, अर्थात यह सभी क्षेत्रों में कार्य करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। कंप्यूटर लगभग सभी प्रकार के कार्यों में प्रयोग होता है।
इसे सार्वभौमिक कहा जाता है। यह बार बार किए जाने वाले कार्य को प्रोग्राम के माध्यम से पूरी दक्षता के साथ कर सकता है। साथ ही कंप्यूटर का प्रयोग जीवन के विभिन्न क्षेत्रों जैसे बैंकिंग, रेलवे, शिक्षा आदि में किया जा सकता है। यह ऐसे क्षेत्र में भी कार्य कर सकता है जहाँ मानव का कार्य कर पाना नामुमकिन होता है। ये कहा जा सकता है कि एक ही कंप्यूटर पर विभिन्न प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं, जैसे गाने सुनना, पत्र टाइप करना, अकाउंट संभालना आदि। तो दोस्तों, कंप्यूटर की विशेषता भी है तो उसकी कुछ हानियां भी होती हैं। सबसे पहले इसकी समस्या आती है निर्णय लेने की क्षमता का अभाव, नो IQ। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। जिस प्रकार मानव पिछले अनुभव एवं ज्ञान के आधार पर स्वयं निर्णय ले सकता है, उसी प्रकार कंप्यूटर स्वयं कोई निर्णय नहीं ले पाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नाम से इस दिशा में शोध चल रहा है ताकि कंप्यूटर भी स्वयं पिछले अनुभव के आधार पर निर्णय ले सके। आज का आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट कंप्यूटर भी 3 साल के बच्चे के मस्तिष्क की क्षमता जितना कार्य कर सकता है। दूसरी इसकी लिमिटेशंस आती है नो फीलिंग्स, संवेदनाओं का अभाव। संवेदनाओं का अभाव कंप्यूटर की खूबी भी हो तो सीमा भी है। मानव निर्णयों को संवेदनाओं प्रभावित करती हैं, किंतु कंप्यूटर संवेदनाओं से परे होने के कारण संवेदनशील निर्णय नहीं ले पाता है। दोस्तों, वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।